नमस्कार पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश गौड़ आपका ट्रिपल एस हिंदी टैरो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे, जो 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली रीडिंग है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो पाइसिस के पर्सन है, वो उनकी पाइसिस के प्रति फीलिंग्स क्या है, वो उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि पाइसिस अपने पर्सन के प्रति क्या फील कर रहे हैं, और अगले 72 आवर्स में पाइसिस के पर्सन पाइसिस के लिए क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ जाकर आप डिटेल्स देख सकते हैं और अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। 3 से 4 दिन के अंदर पैसे पहुँचने के बाद आपकी रीडिंग आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कि जो पाइसिस के पर्सन हैं उनकी पाइसिस के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। तो ये जनरल होने के कारण सब पर पूरी तरह से रेजोनेट नहीं होती, जितनी रेजोनेट होती है आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि पाइसिस के पर्सन की पाइसिस के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट। तो जो पाइसिस आपके जो पर्सन हैं वो आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि जो पाइसिस के पर्सन हैं इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि इस रिश्ते में दोबारा से एक मौका देना चाहिए, गड़े मुर्दों को नहीं उखाड़ना चाहिए, और जैसे ये रिश्ता पहले था वैसे ही इस रिश्ते को बना लेते हैं, उसके बारे में सोच लेते हैं। तो वो रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो अब समय रहते, यूनिवर्स भी अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो वही प्यार, वही प्रेम, वही सब कुछ होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों को, इस रिश्ते को एक नए सिरे से, नई बिगनिंग, नई शुरुआत के साथ करने के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में बिल्कुल क्लियरिटी हो, ट्रूथ हो, सच्चाई हो, ऑनेस्टी हो, और क्लियर कट कम्युनिकेशन इस रिश्ते में वो चाह रहे हैं। उनको लगता है कि दिल से ना सोचकर दिमाग से इस रिश्ते में काम लेना चाहिए, और उनको पहले सोचना चाहिए कि इस रिश्ते में उनको लाइफ में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और ये सब बातें सोच विचार करके वो उन्होंने सोच लिया है, विचार कर लिया है, और वो इस रिश्ते में एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक नए ताज़ापन के साथ, भले ही ये रिश्ता काफ़ी दिनों पुराना है, काफ़ी एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे से मिले हैं, ये रिश्ता आप का काफ़ी पुराना है, फिर भी जो आपके पर्सन है, पाइसिस के पर्सन है, वो इस रिश्ते में एक ताजगी के साथ, एक नएपन के साथ, एक उमंग के साथ, एक दोस्ती के लेवल से इसमें एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, और वो इस रिश्ते में शुरुआत करने के लिए काफ़ी उतावले हैं, काफ़ी बेचैन हैं, काफ़ी उनको लग रहा है कि अगर ये रिश्ता अब बन जाता है तो काफ़ी इसमें रिकॉन्सिलेशन बनेगा, प्यार प्रेम बढ़ेगा, और वही सब कुछ हो सकता है जो इसमें पहले था। तो वो इसमें एक रीबिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, दोबारा से वही मेलजोल, वही प्यार प्रेम बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, और इस में यूनिवर्स भी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो देखते हैं कि पाइसिस अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। ये जो एनर्जी है वो यंग एनर्जी हो सकती है, इस जो या कह सकते हैं कि यंग हो सकते हैं वो पाइसिस से। देखते हैं कि पाइसिस अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, उनके प्रति फीलिंग्स क्या है। 4 of Swords, एज ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 of Pentacles। पाइसिस फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, उनको लगता है कि सबसे पहले एक स्पेस देने की ज़रूरत है, एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा शांत होने की ज़रूरत है, मेडिटेशन, प्रेयर, हीलिंग, पूजा पाठ, जो भी ठीक लगता है, अच्छा लगता है, वो सब करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो रिश्ता है वो काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है। तो वो ये सब इसमें
वो चाह रहे हैं कि जब जो पाइसिस महसूस कर रहे हैं कि जब ये मन दुखना बंद हो जाता है, जब जो परेशानी दुख तकलीफ मिले थे वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो तब वो इसमें उठकर एक नई बिगनिंग एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं कि तभी उनको एक नई बिगनिंग एक शुरुआत करनी चाहिए। और इस उससे पहले वो फील कर रहे हैं कि सबसे पहले अपने जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने खुद के लिए पैसा बनाने के लिए जॉब बिजनेस करियर, जिससे इस रिश्ते में शांति आए, एक स्टेबिलिटी आए, एक ठहराव आए। तो वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले वो फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ एक नए वही काम करते हैं जिससे वो अपने पैरों पर खड़े हुए हो जाएं और अपनी जिम्मेदारियों को समझें। और उसके बाद वो जब माइंडेड स्टेबल हो जाते हैं, जब डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, तो उनको लग रहा है कि समय रहते इसमें वो सब सोर्सेज ढूंढने चाहिए, वो सब ऑप्शन ढूंढने चाहिए जो इस रिश्ते को प्यार प्रेम में बदल सके या एक नई अच्छी बिगनिंग एक अच्छी शुरुआत कर सके, ताकि ये रिश्ता काफ़ी अच्छा बन सके और आगे जाकर नेम और फेम दिला सके। तो वो इस पर फिलहाल के लिए जो पाइसिस हैं वो थोड़ा सा एक ब्रेक लेना ब्रेक लेने के बारे में सोच रहे हैं कि पहले सबसे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं और अपने पैरों पर, अपने जिम्मेदारियों पर खड़े होने की ज़रूरत है। सबसे पहले वो दूसरे पचड़ों में ना पड़कर अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लेते हैं और फिर उसके बाद जो पास्ट में हुआ था उन सब बातों को भुलाकर नए सोर्सेज ढूंढने की ज़रूरत है, नई बिगनिंग नई शुरुआत कर लेते हैं, तो ताकि रिश्ता में आगे जाकर कोई कंफ्यूजन कोई परेशानी ना रहे। तो देखते हैं कि जो पाइसिस के पर्सन हैं वो से अगले 72 आवर्स में पाइसिस के लिए क्या एक्शन लेंगे, अगले 72 आवर्स में पाइसिस के पर्सन पाइसिस के लिए क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। जो पाइसिस के पर्सन हैं वो पाइसिस के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस पाइसिस के पर्सन को इस रिश्ते में खड़े रहने के बारे में सोच रहे हैं। वो यही एक्शन चाहते हैं कि इस रिश्ते में गिव अप नहीं करते, इसमें रुके रहते हैं, खड़े रहते हैं, एक स्टैंड लेना बनता है, चाहे पाइसिस ने उनको दुख दिया है या उनके पर्सन ने उनको दुख दिया है। किसी ने भी किसी को दुख दिया है तो ये रिश्ता एक तरफ से ख़राब नहीं हुआ, दोनों तरफ से ख़राब हुआ है। तो वो फील कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में एक चांस और ले लेते हैं, ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो वो खड़े रहना चाहते हैं, इसमें गिव अप नहीं चाहते, वो उनको लगता है कि जब तक एक मौका भी मिल रहा है, एक चांस भी मिल रहा है, एक गोल भी बाकी है, तब तक वो इसमें रुके रहेंगे, ठहरे रहेंगे, खड़े रहेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ने का वेट करेंगे। तो और वो अपने जो उनका थोड़ा सा गुस्सा करने का स्वभाव है, जो एंगर है, जो टेम्पर है, जो इस रिश्ते को परेशानी में डाल रहा है, तो वो इस एंगर को, इस गुस्से को, इसको ख़त्म करके अपने ऊपर कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि सबसे पहले इस एंगर को, इस टेंपर को, इसको ख़त्म करना चाहिए और इस रिश्ते में एक बैलेंस लाना चाहिए, एक पीसफुली शांति से और एकदम अपने अंदर पेशेंस लाने की ज़रूरत है, टेंपर को ख़त्म करने की ज़रूरत है, गुस्से को ख़त्म करने की ज़रूरत है, तभी ये रिश्ता उनको लग रहा है कि अगर इसमें पेशेंस आता है, शांति से काम लिया जाता है और अपने जिम्मेदारियों को समझा जाता है, तो तभी ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, आगे बढ़ेगा और इसमें यूनिवर्स भी अपनी ब्लेसिंग्स देंगे। और इस काम को करने के लिए वो इसमें अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, अपना एफर्ट डालना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जितनी एनर्जी डालेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, जितनी कोशिश करेंगे, उतना ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, फ्रूटफुल होगा, बिना करे इसमें कुछ भी नहीं मिल सकता। तो वो यही एक्शन चाहते हैं कि इसमें रुककर फिलहाल के लिए इसमें एक मौका और देकर देख लेते हैं
एक चांस और दे लेते हैं, हो सकता है कि ये रिश्ता पहले की तरह हो जाए, फ्रूटफुल हो जाए। और इसमें वो अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, अपना एफर्ट और अपनी मेहनत डालना चाहते हैं जो पाइसिस के पर्सन हैं। देखते हैं कि इसकी गाइडेंस क्या रहेगी सिचुएशन की, या पाइसिस के लिए गाइडेंस क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। पाइसिस सबसे पहले उन्हें अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने आप को प्रिपेयर, अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। वो अपने आप में जल्दबाजी ना करें, किसी भी काम में पैसन एट होकर या जुनून के साथ कोई भी एक्शन ना ले, क्योंकि जल्दबाजी करने से हमेशा नुकसान होता है, कोई भी फायदा नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहले वो उन्हें अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देने की ज़रूरत है, लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, प्रिपेयर तैयार होने की ज़रूरत है। और यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि इस जो ये टेन ऑफ वॉन्ड्स है वो इस रिश्ते को एक बर्डन रिश्ता ना समझे, बोझ ना समझे, इसको ड्रॉप ना करें, इस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को स्टेप बाय स्टेप करके एक दूसरे के साथ शेयर करें, बांटे परिवार के साथ, फैमिली के साथ, अकेले बर्डन ना लें। अगर वो अकेले इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएंगे तो मेंटली और फिजिकली परेशानी, दिक्कत उनको आ सकती है। तो इसलिए इन जिम्मेदारियों को बांटने की ज़रूरत है, परिवार के साथ शेयर करने की ज़रूरत है, या स्टेप बाय स्टेप करके इन्हें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो उनका लक की समय आ रहा है, जो उनका गुड लक, जो ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, लक की समय उनका आ रहा है या आने वाला है, तो वो चाहते हैं कि ये जो गुड लक है उसको अच्छे अच्छे समय में यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें उसको। और जो जैसा इसमें वो बीज बोएंगे वैसा फसल वो काटेंगे। तो यूनिवर्स ये चाहते हैं कि इसमें बिना इसमें ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक सच्चाई के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसमें कोई चालाकी नहीं, कोई छल कपट नहीं, कोई धांधलेबाजी नहीं, किसी के साथ कोई अट्रैक्शन या कोई गलत भावना नहीं। तो उसके साथ आगे बढ़ें और लॉयल रहें, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ें, ताकि ये रिश्ता पहले की तरह पावरफुल हो सके, ये रिश्ता काम कर सके। और ये तभी होगा जब वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांटेंगे और अपने आप को प्रिपेयर तैयार करेंगे। तो और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो एक दूसरे से माफ़ी भी मांग लें, सामने वाले को माफ़ कर दें और खुद माफ़ी मांग लें। अगर सामने वाला माफ़ भी नहीं करता तो उनको माफ़ करके लाइफ में आगे बढ़ें और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ काम करें, ताकि ये रिश्ता पहले की तरह अच्छा हो सके, कामयाब हो सके, नेम और फेम दिला सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।